हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूज़न विद इंदु। आज हम बनाएंगे खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी कमल ककड़ी की चाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कमल ककड़ी, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टीस्पून चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर। सबसे पहले कमल ककड़ी को एक पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे और इसके टॉप और बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे। दोनों साइड कट करने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। अब लेंगे कढ़ाई या पैन, इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल गर्म करके इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और जीरा। जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कलर ऐड करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला। अब इसमें सभी मसाले डालने और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा कप पानी और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। पानी डालने से मसाले एक तो जलेंगे नहीं और ये सभी अच्छी तरह कुक भी हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे कमल ककड़ी के कट किए हुए पीसेस। इन्हें डालकर सभी मसालों में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब मसालों, नमक और कमल ककड़ी सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे लिड लगाकर लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और क्रिस्प करेंगे, बीच बीच में लिड हटाकर चेक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद टेस्टी और क्रिस्पी मसालेदार कमल ककड़ी की चाट तैयार है। इसे धनिया पत्ती, नींबू के स्लाइसेस और हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। इसे चाहें तो आप एज ए स्नैक या फिर रोटी, पराठा या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों तरह से ही बहुत टेस्टी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।